हाँ कुणाल जी, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली क्या काम करते हो? हाँ काम क्या करते हो? क्या काम करते हो? काम हाँ बताओ। काम भैंसे चरा रहे हो? हाँ भैंसे चरा रहे हो। भैंसे चराते हो कहाँ पे? अपने घर। अपने घर? कहाँ घर है आपका? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा अपने घर? याद नहीं आ रहा आपको? कमाल है यार, मेरा घर मुझे याद है, भूल कैसे गए? जूते वूते क्यों नहीं पहने हुए यार? देखो सब लोग चप्पल नहीं पहने, तुमने चप्पल अपन नहीं पहना, ऐसा क्यों? सच बताओ भाई, इसके पीछे का राज क्या है? हाँ अरे बोलो यार, क्यों सर मारे हो? नहीं बोलना। ये कपड़े पर बताए आपके फटे हुए नहीं देखो? हाँ क्या नाम क्या बताया? कुणाल नाम बताया। अच्छा कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? हाँ 30-35 साल के। लगा तो नहीं रही हो 30-35 के यार। 30-35 साल के हो? 35 साल के? पैदाइश कौन सा याद है आपको? 35 साल के तो नहीं लग रहे होंगे। रुको बैठना, बैठो, हम दोनों बैठेंगे साथ में। ये क्या लेके घूम रहे हैं बताओ? कपड़ा है। कैसा कपड़ा? बैठने के लिए। उड़ने के लिए? खाना वाना कहाँ खाते हो? खाना खाते हैं होटल में। होटल में खाते हो? कौन से होटल में? होटल में। तो ये पैसे वैसे कहाँ से आते हैं? पैसे सब फेस कर देते हैं। हाँ पैसे फेस करने पड़ते। फेस करने पड़ते? मांगते हो? हाँ सब अपने अपने। तो मतलब सैलरी मिलती होगी ना आपको? नशा वशा तो नहीं करते ना? अच्छा चलो ये अच्छी बात है, नशा नहीं करते हो। मम्मी पापा हैं घर में? मम्मी पापा क्या करते हो? भैंस चराते हैं। तो ग्वाल लोग हो आप लोग? पूरा नाम क्या आपका? यूपी के हो कि कहाँ? बिहार के हो? हाँ कहाँ से? अरे बोलो क्यों शर्मा, डर क्यों रहे हो तुम? मेरे से डर लग रहा है? मैं कोई कहाँ से आया हूँ बताओ? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे भाई लगे यार एकदम बढ़िया से। हाँ बताओ, 30-35 साल की उम्र में शादी वादी कर ली आपने? नहीं की? तो शादी नहीं होंगे तो फिर कैसे ज़िंदगी कटेगी बताओ 30-35 साल की उम्र में? ये क्या लिखा हुआ है? ये देखिए ये टैटू, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये हाँ ये क्या लिखा हुआ है? ये हाँ कौन है ये? तो आपने बीच में डॉट डॉट लगाया माँ के। अच्छा तो मम्मी कहाँ? गाँव में रहती है? गाँव में मम्मी। अच्छा तो घर और जाते हो कि नहीं जाते हो? तो अभी कहाँ जा रहे हो? हाँ मेला घूमने जा रहे हैं। मेला कहाँ पे लगा यार, मेरे को भी ले चलो। कहाँ पे? हाँ मेला किस साइड बताओ यार, मैं तो मेला का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। हाँ जी तो याद नहीं आ रहा है, उस साइड जाते हैं। अब याद ही नहीं आ रहा कि किस साइड मेला, इधर किधर? मेला देखने जा रहे हो कुछ और देखने जा रहे हो? तो देखो ये कुणाल है, ये मेरे को ट्रेन में मिले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे थोड़ा बात करूं। और अक्सर ऐसे बहुत सारे मुझे ट्रेन में मिले जाते हैं। तो ये पाजी कुणाल हैं, और कुणाल जी अपना बायोडाटा बता नहीं पा रहे हैं और बढ़िया से। ये जेब में क्या लिया हुआ है मुझे बता सकते हो? रोटी। रोटी नहीं है? रोटी और सब्जी किधर है? सब्जी नहीं, सिर्फ रोटी है। अच्छा यार जूते भी नहीं पहने, जूते चाहिए आपको? जूते पहनने कुछ भी नहीं चाहिए? तो ये टिकट है कि नहीं आपके पास? टिकट नहीं ली? अगर टीसी पकड़ लिया तो आगे जाएंगे मेला। अरे उसको थोड़ी पता चलेगा मेला घूमने जा रहे हो आप? अगर टिकट नहीं होगी तो क्या करेगा आपका? वो उतार लेंगे स्टेशन पे। उतार लेगा फिर कहाँ लेके जाएगा आपको? फिर हम मेला में लेके जाएगा वो उतार के। बात है भाई, देखो क्या बोल रहे, अगर टीटी मुझे पकड़ लेगा तो सीधा मेला में लेके जाएगा। अब कौन से बड़ा मेला में लेके, बड़े मेले में लेके जाएंगे। तो ये देखो ये कहानी है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जानते ही हैं मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ अक्सर ट्रेनों में। कोई बात नहीं दोस्तों, ये ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताना। और ये रहा संबलपुर ट्रेन का लास्ट ट्रिप, शुक्रिया।